वॉटरफॉल देख सकें। तो हमारी लिस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमारा ट्रिप जो है वो है 4 रात और 5 दिनों का। इसमें हमने क्या क्या देखा और क्या क्या आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं एक खूबसूरत सी कंट्री आइसलैंड। तो आइसलैंड आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो अगर आप दुनिया के कुछ बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पास से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो समर इसका बेस्ट टाइम है। और टेम्परेचर यहाँ कुछ 10-15 डिग्रीज होता है। आइसलैंड पूरा ग्रीन दिखता है। और अगर आपको नॉर्थन लाइट्स देखना है तो आपको विंटर का वेट करना पड़ेगा। तो मोस्टली यहाँ पर लोग अक्टूबर से फरवरी तक आते हैं नॉर्थन लाइट्स देखने के लिए। तो जब हम आइसलैंड आने का प्लान करते हैं, उसकी आइटनरी बनाते हैं, तो दो क्वेश्चन हमारे पास हमेशा रहता है कि हम कार से ट्रैवल करें या फिर टूर ऑन ट्रैवल से। हमने यहाँ पर ट्रैवल किया है टूर से, क्योंकि सेम डे में उतना ट्रैवल करना और कार ड्राइव करना बहुत ज़रूर हो जाता है। और हमारा प्लान था सिर्फ 4 रात और 5 दिनों का, तो हमने ट्रैवल्स बुक किया। बट अगर आपके पास कार चलाने की कैपेसिटी है, मतलब अगर आपकी स्टेमिना है कि आप उतना कार भी चला सकते हैं और उतना ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो आप कार हायर करें। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2 वीक्स के लिए आइसलैंड प्लान कर सकते हैं, जिसे आप आराम से आप रेस्ट भी कर सकते हैं और ड्राइव भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमने कौन कौन से ट्रैवल एजेंसी से अपना टूर बुक किया और हमें उसके क्या चार्जेस लगे। तो वीडियो में मैंने कहा अगर आप कार हायर कर रहे हैं तो 2 वीक्स लगेंगे, वो मैंने पूरे आइसलैंड के लिए कहा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे 2 वीक्स की छुट्टी कैसे मिलेगी, बच्चों के स्कूल में छुट्टी कैसे मिलेगी। तो अगर आप पूरा रिंग रोड कवर कर रहे हैं तो आपको 2 वीक्स लगेंगे। अगर आप हमारे जैसा ही टूर करना चाहते हैं तो 4-5 डेज आपको लगेंगे। तो आप अपना आइटनरी उस तरीके से बना सकते हैं अगर आप कार हायर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सारे ऑप्शंस। तो लंदन से हमने मॉर्निंग की फ्लाइट ली थी और आफ्टरनून तक हम पहुंच गए आइसलैंड। तो अगर आप लंदन से जा रहे हैं या फिर दुनिया के किसी और पार्ट से भी आइसलैंड जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ फ्लाइट हमेशा 1-2 घंटा डिले रहती है। तो फ्लाइट से देखने पर तो ये दिख रहा था कि मौसम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो रिकविक सिटी अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से घूमना है तो आपको कैश लगेगा, अदरवाइज आपको आइसलैंड में कहीं भी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइसलैंड की जो करेंसी है उसका मैंने पाउंड, डॉलर और रुपए में रेट बता दिया है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना पड़ेगा। और अगर आपको लीकर लेना है तो आप एयरपोर्ट में ही ले लें, क्योंकि बाहर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आइसलैंड में आपने पहले से कार प्री बुक की है तो आपको यहाँ पर इसकी डिलीवरी मिल जाएगी, जैसे कि ये लोग यहाँ पर अपने कार के लिए वेट कर रहे हैं। और अगर आप हमारे जैसे कार बुक नहीं किए हैं तो आपको रिक्विक जाने के लिए ऑप्शंस हैं एयरपोर्ट डायरेक्ट और फ्लाई बस। इसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ है बस नंबर 55, जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर आपको रिक्विक तक पहुँचा देगी। तो जब हमने एयरपोर्ट डायरेक्ट और फ्लाई बस का रेट का कंपेयर किया तो हमें एयरपोर्ट डायरेक्ट चीप लगा, तो हमने वो बुक किया। तो हमारे हर ट्रिप के जैसे हमने आइसलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम आइसलैंड पहुँचे हमारे मोबाइल में GPS काम नहीं कर रहा था और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस स्टॉप था वो काफ़ी दूर था, जो हमें नहीं मिला। और हमारी फ़्लाइट डिले थी, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम था दिन का वो काफ़ी डिले चल रहा था। इसलिए हमने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ से प्राइवेट बस लेकर हम रिकविक पहुँच जाएँ। और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है और अगर बस स्टॉप आपको मिल जाता है तो उसके चार्जेस हैं 2000 IS के पर पर्सन, और वो कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एयरपोर्ट से रिकविक जाने में तकरीबन लगते हैं 1 आवर। अगर आप आइसलैंड में कार हायर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसके साउथ कोस्ट के साइड अपना एयरबीएनबी या होटल बुक करें। अगर आप पूरा रिंग रोड कवर कर रहे हैं तो भी यहाँ काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहाँ आप होटल बुक कर सकते हैं। तो कार लेते वक्त आप उसका पूरा इंश्योरेंस लेना ना भूलें, क्योंकि स्पेशली यहाँ विंटर में हाई विंड की वार्निंग इशू होती है। सारे ट्रैवल वालों की जो बसेस हैं वो रिकविक से स्टार्ट होती है, इस वजह से हमने यहाँ पर अपना एयरबीएनबी बुक किया था।
तो आइसलैंड घूमना तीन चीजें महंगा बनाती है। पहला है एयरलाइंस की टिकट्स। ऑफ कोर्स हर जगह एयरलाइंस की टिकट्स महंगी होती है, बट आइसलैंड की टिकट काफ़ी महंगी होती है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से काफ़ी लोग US के लिए अपनी फ़्लाइट चेंज करते हैं। तो अगर आप आइसलैंड आने का प्लान बना रहे हैं तो आप काफ़ी पहले से फ़्लाइट टिकट्स कर लें। दूसरी जो चीज़ है जो यहाँ सबसे महंगी है वो है होटल्स बुकिंग। होटल बुकिंग भी आप ट्रिप के जितने दिन पहले से ट्राई करें उतना पहले से ही बुक कर लें। और तीसरी चीज़ यहाँ पर महंगी है वो है यहाँ का खाना। तो यहाँ काफ़ी सारे लोकल बेकरीज हैं जहाँ आप कुछ खा सकते हैं, या तो हमारे जैसे आप एयरबीएनबी बुक करें ताकि आप खाना घर पे ही बना सकें एयरबीएनबी में और वही कैरी कर सकें। तो ये अगर तीन चीज़ें आपकी बजट में हो जाएगी तो आइसलैंड का ट्रिप आप अच्छे बजट में भी कर सकते हैं। तो रिकविक में जो हमारा एयरबीएनबी था वो काफ़ी अच्छा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप आइसलैंड समर में आ रहे हैं मई जून जुलाई, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मिड नाइट सन होता है। इसका मतलब यहाँ 24 आवर्स दिन होता है। तो आप होटल या फिर एयरबीएनबी बुक करते वक्त वहाँ देख लें कि विंडो में अच्छे थिक कर्टन हो ताकि आप रात में आराम से यहाँ सो पाएं। तो आइसलैंड आने का आप जब भी प्लान कर रहे हो अपनी फ्लाइट टिकट होने के बाद आप एयरबीएनबी या फिर होटल बुक कर लें, क्योंकि यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ होटल्स एंड एयरबीएनबी हैं और स्पेशली समर में इसकी बुकिंग्स बहुत ही मुश्किल से मिलती है और इसके रेट्स भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो लंबी ट्रैवल के बाद हम थक गए थे और हमें भूख भी बहुत लग गई थी, तो हमने जल्दी जल्दी बनाया मैगी और गरम गरम चाय और हम निकल पड़े रिकविक सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। आइसलैंड में आप अपने साथ अम्ब्रेला लाना बिल्कुल भी ना भूलें, यहाँ कभी भी बारिश होती है। आधी रेन एंजॉय कर रहे हैं? नो हाँ, ठंडी में रेन कोई भी एंजॉय नहीं करता है। तो अभी हम जा रहे हैं एक कॉन्सर्ट हॉल देखने के लिए, तो जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं। पैदल निकल चुके हैं हम, आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो कॉन्सर्ट हॉल कैसा था और उसका नाम क्या है। और ये सी के किनारे किनारे हमको जाना है और वो है कॉन्सर्ट हॉल जिसका नाम है हार्पा। एम आई करेक्ट आदि? उसका नाम क्या है? हार्पा। हाँ, कितना खूबसूरत है ना। वाह। और चलते चलते हम आ गए हैं इस जगह पे। तो स्क्रीन में मैंने इसका नाम लिखा है, तो आइसलैंड जो भी आता है यहाँ पर अपनी एक फोटो जरूर खिंचाता है। सी के बिल्कुल किनारे हैं और वो है कॉन्सर्ट हॉल। तो आइसलैंड में आपको किस तरीके के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी इसका पूरा लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं साथ में एक लिंक भी डाल दूंगी, तो आप वो चेक करना बिल्कुल ना भूलें। और फाइनली हम पहुंच गए कॉन्सर्ट हॉल हार्पा। तो यहाँ की जो एंट्री है ये बिल्कुल फ्री है। अगर कोई कॉन्सर्ट चल रहा होगा तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये इतना ब्यूटीफुल इसका आर्किटेक्चर है, ये पूरा ग्लास और स्टील से बना हुआ है और इसमें 4 फ्लोर हैं और ये देखने में इतना स्टनिंग है। अगर आप यहाँ पर रात में आए तो इसमें लाइटिंग्स भी होती हैं, तो यहाँ आप मल्टीपल फोटोग्राफ्स खिंचा सकते हैं। ये इसमें आनंद दिख रहे खड़े। तो हार्पा से निकलने के बाद हमने देखा कि वेदर और भी खराब हो चुका है, तो हमने डिसाइड किया कि हम ग्रॉसरी स्टोर में कुछ सामान लेकर डायरेक्ट अपने एयरबीएनबी के घर में जाएंगे। लेमन 89।
चलते हमको दिखा है ब्रेड, सोचते हैं ब्रेड ले लेते हैं, अंडा है, ब्रेड है, सुबह सैंडविच बना लेंगे, रात में भी कुछ सब्जी के साथ इसे खा सकते हैं। यहाँ नान भी है बट हमको नान मन नहीं कर रहा है अभी खाने के लिए, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंगल स्लाइस पिज़्ज़ा भी ले सकते हैं, मतलब आपको पूरा पिज़्ज़ा नहीं उसका एक स्लाइस भी मिल सकता है, बट हाँ यहाँ पर कोई भी आपको वेज ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमने कुछ बनाना, मिल्क, एग और ब्रेड ले लिया है जिसका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बिल आया है 2555 ISK। तो इंडियन करेंसी में ये अप्रोक्सीमेटली 1500-1600 रुपए का होगा, पाउंड में मैं कहूँ तो ये 15 पाउंड का होगा अप्रोक्सीमेटली। और फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं, अब रेस्ट करते हैं। पर आप ये बाहर का जो नज़ारा ये देख रहे हैं, ये रात के 11:09 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बाहर कितना ज़्यादा अभी भी लाइट है। तो आइसलैंड अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं, समर में जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ मिडनाइट सन होता है, मतलब यहाँ जो सनसेट है वो होता ही नहीं है, तो आपको सोने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप अपने साथ ऐसा आई मास्क लाना ना भूलें, इसे आप ऐसे लगाएं और सो जाएं। तो आइसलैंड के ट्रिप में हमने सेकेंड डे क्या क्या किया, तो ये जानने के लिए आप इस ब्लॉग का सेकेंड एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें।